विकी कौशल की सैम बहादुर में कौन सी एक्ट्रेसेस की एंट्री हुई? क्या सैम बहादुर इंदिरा गांधी सरकार का तख्ता पलटकर खुद प्रधानमंत्री बनना चाहते थे? कौन थे सैम मानेकशॉ? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पॉडीग्राफ स्टूडियोज, मैं जोनिका जैल। दोस्तों, विकी कौशल जल्द ही एक बायोपिक में नजर आने वाले हैं, जो है सैम मानेकशॉ की बायोपिक, और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि सैम बहादुर जिन्हें कहा जाता था, उनकी गिनती भारत की अब तक की सबसे सफलतम आर्मी कमांडरों में होती है। उनका निधन 27 जून 2008 को हुआ था। ब्रिटिश इंडियन आर्मी से शुरू हुआ उनका शानदार मिलिट्री करियर 4 दशकों तक चला। फील्ड मार्शल की रैंक पाने वाले वो भारतीय सेना के पहले अधिकारी थे। साल 1971 में उन्हीं के नेतृत्व में भारत ने पाकिस्तान को हराया था और बांग्लादेश का जन्म हुआ था। सैम की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से भी खूब बनती थी। दोनों की नजदीकियां इस हद तक थी कि सैम उनसे बातचीत के दौरान बेहद कैजुअल रहते थे, उन्हें स्वीटी लड़की कहकर पुकारते थे। साल 2002 में अपने पोते जेहान मानेकशॉ को इंटरव्यू में उन्होंने बहुत ही ज्यादा रोचक किस्सों के बारे में बात की। उन्हीं में से एक था कि क्या वो एक समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का तख्ता पलट करना चाहते थे। इस सवाल पर सैम खुलकर बोले और बताया कि कैसे खुद इंदिरा गांधी ने उन्हें चाय पर बुलाकर पूछा था कि क्या ये बात सच है। मानेकशॉ कहते हैं, शाम के 4 बजे थे, मैं चाय पी रहा था, मिसेस गांधी का फोन आया, उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं बिजी तो नहीं। मैंने जवाब दिया, मैडम एक आर्मी चीफ हमेशा बिजी रहता है, मगर इतना भी नहीं कि अपनी प्रधानमंत्री से बात ना कर सके। उन्होंने मुझे मिलने के लिए बुलाया, मैंने अपने ADC से कहा, लड़की बुला रही है, गाड़ी निकालो। लोग जानते थे कि मैं इंदिरा को ऐसे ही संबोधित करता था। उन्होंने जब सेना में जाने का फैसला किया तो उनके पिता ने इसका जबरदस्त विरोध किया। उनका सख्त रुख देखकर उन्होंने पिता के खिलाफ ही बगावत कर दी और IMA में प्रवेश परीक्षा दे दी। वहीं बाद में उनका मिलिट्री करियर अपने आप में एक मिसाल बन गया। तो यही कहानी दिखाने के लिए तैयार है विकी कौशल, और अब इस फिल्म में एंट्री हो चुकी है सानिया मल्होत्रा और फातिमा सना शेख की। तो दोस्तों, आप कितना वेट कर रहे हैं इस कहानी को बड़े पर्दे पर देखने के लिए, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉडीग्राफ स्टूडियोज को।